रीड लेटेस्ट न्यूज और राजस्थान शिक्षक भर्ती से संबंधित न्यूज शुरू करने से पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। कोर्ट के आदेश के बाद भी राहत नहीं, रीट लेवल द्वितीय अंग्रेजी के शिक्षकों ने सीएम को भेजा ज्ञापन। बांसवाड़ा से ये न्यूज आ रही है। तृतीय श्रेणी शिक्षक भर्ती 2016 में लेवल द्वितीय में विषय विशेष की योग्यता से विसंगतियों को लेकर कोर्ट द्वारा जारी आदेश के बाद भी शिक्षा विभाग द्वारा कार्रवाई नहीं होने से प्रभावितों में रोष है। इसे लेकर रीट लेवल द्वितीय अंग्रेजी के शिक्षकों द्वारा बनाए महासंघ ने मुख्यमंत्री को ज्ञापन भेजा है। महासंघ अध्यक्ष रमेश मशाणी ने ज्ञापन में बताया कि कोर्ट ने भर्ती की विज्ञप्ति रद्द कर भाषा संबंधित योग्यता के नए मापदंड तय करते हुए संशोधित विज्ञप्ति जारी करने के आदेश दिए हैं। इस आदेश को 20 दिन से ज्यादा समय हो चुका है, लेकिन प्रदेश के 2 लाख बेरोजगारों के हित में कोई कदम नहीं उठाया गया है। शिक्षक भर्ती प्रक्रिया शुरू करने के लिए ज्ञापन, ये न्यूज दौसा से है। रीट से संबंधित द्वितीय लेवल से संबंधित है। तृतीय श्रेणी शिक्षक भर्ती 2016 रीट लेवल द्वितीय अंग्रेजी महासंघ के अभ्यर्थियों ने कलेक्टर को मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा। रीट लेवल 2 इंग्लिश के अभ्यर्थी रवि शर्मा संजय मीणा ने बताया कि सरकार ने तृतीय श्रेणी अध्यापक भर्ती में 15,000 पदों की विज्ञप्ति जारी की थी। इसके अंतर्गत 7500 पद यानी कि 7500 पद प्रथम लेवल के और 7500 पद द्वितीय लेवल के लिए जारी किए गए थे। द्वितीय लेवल में विषय संबंधित कमियां होने के कारण विज्ञप्ति को हाई कोर्ट द्वारा रद्द कर दिया था। हाई कोर्ट के फैसले को 25 दिन से अधिक समय होने के बावजूद भी राजस्थान सरकार ने नया नोटिफिकेशन जारी नहीं किया है। कोर्ट के स्पष्ट निर्देश के बावजूद भी सरकार भर्ती में विलंब कर रही है। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आए तो हम इसको लाइक करें, शेयर करें और कमेंट जरूर दें। धन्यवाद।